यदि कोई कपल इस वीडियो को देख रहा है और वो मैरिज करने के बारे में सोच रहा है तो आप उन्हें क्या रिकमेंड करेंगे? आ सकते हो हमारे पास? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? अब हंसराज आप बताओ बेटा। हम तो बिल्कुल देखो, यदि आपको अच्छा लगा आपको। हाँ नहीं, हम तो बिल्कुल यही राय देंगे, जाना है तो वहाँ जाओ। नहीं दूसरी अच्छा बताना, नहीं बेस्ट है तो गलत ही बताना। सबसे बेस्ट यहाँ फोर्सेस टू काम हुआ, ऐसा भी नहीं है तो एक बार उधर आना फिर आना एक मिनट आओ, कोई परेशानी नहीं। जैसे फोर्सेस थे उसके हिसाब से काम हुआ, हमारे को कोई परेशानी नहीं। नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना लॉयर हृदेश कुमार। दोस्तों, जैसे आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से लगातार कुछ कपल से मिलते हैं, उसी कड़ी में एक नया कपल आज हमारे बीच है। सबसे पहले मैं इनसे आपका परिचय कराता हूं। जी, आप अपना नाम बताइए और कहां से आए हैं? मेरा नाम हंसराज है, मैं गुजरात से आया हूं, सूरत शहर से। हंसराज जी, ये जो वीडियो पड़ रहा है यूट्यूब पर, हाँ, इसमें आपकी मर्जी है? हाँ, पूरी मेरा सहयोग है। ओके, सहयोग तो है ही है, बिना आपके सहयोग के वीडियो नहीं डाल सकते हम। नहीं, हमारी मर्जी से डालो। हां, हमारी मर्जी से। आप बताओ बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुसुम परमार है और मैं सूरत गुजरात से हूँ। ठीक है बेटा, ये वीडियो जो YouTube के लिए शूट कर रहे हैं आपकी मर्जी है उसमें? हाँ। ये सब केवल हंसराज की मर्जी हो? नहीं, मेरी भी है ना, दोनों की मर्जी है। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हाँ, कि आप हमारे पास आए, कोई भी जब कपल हमारे पास आता है तो हमारी ये प्रायोरिटी में रहता है कि हम लड़की से ये जान ले कोई प्रेशर या किसी दबाव में नहीं, या कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है जिसमें वो आकर के मैरिज कर रही हो? नहीं। तो आपने क्या बताया था हमें? नहीं, ऐसी कोई नहीं है। आप अपनी मर्जी से आए हो, अच्छे हैं? हाँ, ठीक से रखेंगे। हाँ। आपको कितने टाइम से आप दोनों साथ थे? 3 साल से। 3 साल से, तो 3 साल का समय काफी होता है एक दूसरे को समझने के लिए। दूसरा अंसराज, मुझे ये बताओ, आप हमारे पास कैसे पहुंचे? आपको हमारा रेफरेंस कहां से मिला? मेरे को मेरे फ्रेंड के द्वारा आपका रेफरेंस मिला। मैंने एक फ्रेंड को पूछा, उसने बोला मेरे फ्रेंड ने भी 2-3 ने किए, तो बोला ठीक है जाके देखते हैं हम भी। तो बोला बढ़िया, सर्कल में हमने और भी कई शादियां करवाई है ऐसा। तो वहां से आपको बताया गया कि आप वहां हृदय सर के पास जाइए, वहां मैरिज कराइए। तो जैसा आपको बताया गया था, हाँ, कि भाई इतना टाइम लगेगा, हाँ, और इतनी फीस लगेगी, हाँ, तो उसी तरह से मैरिज हुई है? कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह से सब प्रोसेस उसी तरह से हुआ है। कोई धक्का खाने में परेशानी नहीं हुई, कोई इधर भागने में परेशानी नहीं हुई, एकदम सब नॉर्मल। कितने घंटे का टाइम लगा? लगभग ये 2-3 घंटे का टाइम आपको मैरिज में लगा, जिसमें आपको 2 सर्टिफिकेट जारी किए गए। एक संस्थागत सर्टिफिकेट है जो ये मेरे हाथ में लगा हुआ है, दूसरा ये है रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज का सर्टिफिकेट, ये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, एक संस्थागत सर्टिफिकेट है। इन दोनों सर्टिफिकेट के बेस पर आपकी मैरिज लीगल हो जाती है, यानी हिंदू मैरिज है। 1955 के अकॉर्डिंग आपकी मैरिज हुई है। दोनों हिंदू है? हाँ, आप दोनों हिंदू है। तो हमने सबसे पहले जो है आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में होता क्या है कि कई बार कुछ कपल्स को ये डाउट रहता है, वो ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हम सर को 4 दिन पहले 5 दिन पहले 1 हफ्ते पहले डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो उससे पहले ही फैमिली को कोई नोटिस पहुंच जाए। तो आपके घर कोई नोटिस, कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं पहुंची? कोई नहीं पहुंचा अभी तक, तो किसी पता भी नहीं है, किसी तरह को पता नहीं। आप यहाँ आ गए और आपकी मैरिज हो गई, जब उनको इन्फॉर्म किया जाएगा तब उनको पता लगेगा। कुछ राज्यों में इस तरह की समस्या जरूर है कि वहां पर क्या होता है कि करेक्टर वेरिफिकेशन या फिर इस तरह की इन्फॉर्मेशन घर पहुंच जाती है मैरिज करने से पहले, तो उसमें वहाँ समस्याएं खड़ी हो जाती है। जहाँ परिवार राजी नहीं होता है वो कपल मैरिज नहीं कर पाते। हमारे यहाँ भी 2018 में एक प्रोसीजर आया था आधार आधारित, उसमें क्या होता था OTP जाता था आधार नंबर से, है ना, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता था उसका OTP जाता था। तो कपल्स को ये समस्या आती थी कि जैसे मान लीजिए फादर का, मदर का या किसी और गार्जियन का नंबर अटैच है उस पर, तो वहाँ OTP जाएगा तो उनको पता लग जाता था, वो समस्या आती थी। वो 2018 के बाद गवर्नमेंट ने जब देखा कि व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं तो ख़त्म कर दिया। पर आज भी कुछ कपल्स को ये डाउट रहता है, जो आपके साथ जो कपल्स आए उनमें भी एक कपल ऐसे थे जहाँ लड़की का आधार देने में वो उस समय भी सोच रहे थे, बार बार पूछ रहे सर आधार की जगह वोटर आईडी लगा दें। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप वोटर आईडी लगाना चाहते हो वोटर आईडी लगा दो, आधार से भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये चीज भी आपसे क्लियर कराना चाहता हूँ मैं, आधार पर कोई OTP नहीं जाता। नहीं नहीं, यदि आप मैरिज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी डाउट में ना रहें, मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, इस आधार पर कोई भी किसी भी तरह का OTP नहीं जाता है। दूसरा बेटा कुसुम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो मैरिज हुई है प्रॉपर हिंदू रीति रिवाज से हुई थी? हाँ। ठीक है, पंडित जी द्वारा फेरे कराए गए? हाँ। फेरे जो कराए जैसे हिंदू रिचुअल्स में फेरे होते हैं वैसे ही फेरे हुए हैं आपने? हाँ। ठीक है, दूसरा उसके बाद जो है हम आप रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में आपको लेके गए बायोमेट्रिक बयान कराने के लिए।
तो वहाँ भी हमारी टीम के जो मेंबर है वो आपके साथ, कहीं ऐसा तो नहीं कोई समस्या आई हो? हंसराज जी आप एक बार माइक लो और मुझे बताओ, जैसा आपके दोस्त ने बताया था कि भाई कोई समस्या नहीं आएगी, तो मैरिज उसी तरह से हुई है? नहीं, उसी तरह से एकदम बढ़िया शांति से हुआ, एकदम सुकून, कोई धक्के नहीं खाने पड़े। यहाँ से कई सारी लीगल फॉर्मेलिटीज है, जैसे हम पहले डॉक्यूमेंट देते हैं एप्लीकेशन आईडी वगैरह जनरेट करने के लिए, आपकी फाइल तैयार करने के लिए, उसके बाद भी संस्था का सर्टिफिकेट हो गया, लेटर है, एप्लीकेशन है, या फिर कोर्ट में प्रेजेंट होना है, या आर्य समाज मैरिज होनी है, तो वहाँ पर कहीं पर ऐसा तो नहीं फील हुआ कि सर के लोग मेरे साथ नहीं है? नहीं 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 हुआ, सब साथ में था, पूरा सहयोग था। आने से पहले तो कुछ ना कुछ मन में डाउट आने से पहले तो अपने को बहुत था हमारे को, कहाँ जाना पड़ेगा, कितने दिन में हो गए, कहाँ कहाँ भगाएंगे, इधर भगाएंगे, इधर भगाएंगे, बहुत डाउट थे, क्वेश्चन उठ रहे थे मन में, पर यहाँ आके है ना एकदम शांत हो गया, ये तो इजी से हो जाएगा आराम से। यदि कोई जैसे आपके साथ और भी शादियाँ हुई है, तो कितनी शादी आपने यहाँ पर देखी? हमने कम से कम 15 या 16 के लगभग शादियाँ देखी, और आपके पास इन शादियों के बारे में कॉल भी आ रहे थे, वो भी सुन रहे थे। कुछ लोग मीटिंग के लिए हमें कुछ शादियाँ कराई गई, कुछ मीटिंग हुई, और कुछ कॉल्स भी आपने देखे थे, हम अटेंड कर रहे हैं साथ। तो काफी लोग आ रहे थे, उसके बावजूद भी जो स्टाफ है वो हमारा सफिशियंट है, कहीं ऐसा तो फील नहीं हुआ भाई इतनी शादियाँ सर करा रहे हैं उसके हिसाब से स्टाफ कम है, ऐसा कहीं कोई नहीं? नहीं नहीं, जैसे जो और भी शादियां हुई है और आपकी भी शादी हुई है, तो उसके बीच ऐसी फीलिंग आई हो कि भाई हमें अलग से बिठा दिया है, हम औरों का काम हो रहा है, हमारा नहीं चल रहा, इस तरह को? यदि कोई कपल इस वीडियो को देख रहा है और वो मैरिज करने के बारे में सोच रहा है, तो आप उन्हें क्या रिकमेंड करेंगे? आ सकते हो हमारे पास? दिक्कत तो नहीं आएगी? अब हंसराज आप बताओ बेटा, हम तो बिल्कुल देखो यदि आपको अच्छा लगा हो। हाँ नहीं, हम तो बिल्कुल यही राय देंगे, जाना है तो वहाँ जाओ। नहीं दूसरी अच्छा बताना, नहीं नहीं बेस्ट है तो गलत ही बताना। सबसे बेस्ट यहाँ फोर्सेस टू काम हुआ, ऐसा भी नहीं है तो एक बार उधर आना फिर आना, एक मिनट आओ, कोई परेशानी नहीं, जैसे फोर्सेस थे उसके हिसाब से काम हुआ, हमारे को कोई परेशानी नहीं। फीस के बारे में जरूर बात कर लेते हैं, जो फीस हमने आपको पहले ही बता दी थी वही फीस ली गई है या उससे अलग कोई चार्ज तो नहीं बढ़ाया? नहीं नहीं, वही फीस जो पहले आपने कॉल पे बताया था वही फीस ली, उनमें कोई चार्जिंग नहीं बढ़ाया, कोई एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाया कुछ, उतना ही लिया। चलिए मैं आपकी मैरिज की आपको बहुत बधाई देता हूँ, और दोनों सर्टिफिकेट एक बार वीडियो में दिखा दीजिए। ये जो है संस्था का सर्टिफिकेट है, इनकी आर्य समाज से मैरिज हुई है पहले, उसके बाद जो सर्टिफिकेट दूसरा सर्टिफिकेट मिला है ने, ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ये रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज से मिला है, जो मैरिज अधिकारी होते हैं, मैरिज के सक्षम अधिकारी से सर्टिफिकेट जारी हुआ है। इसके बेस पर आप दोनों लीगली पति और पत्नी के रूप में मेरे सामने बैठे हैं। देखिए कई कपल्स के साथ इस तरह की समस्या आती है, तो उन्हें धोखा दे दिया जाता है, नोटेरी एफिडेविट डीड या एग्रीमेंट करा के ये कह दिया जाता है कि आपकी मैरिज हो गई है। तो इस तरह के कपल हमेशा ध्यान रखें कि जो मैरिज होती है वो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज यानी जो मैरिज अधिकारी होते हैं उनके सामने होती है। अलग अलग प्रदेशों में थोड़ा बहुत अधिकारी अलग अलग हो सकते हैं, कहीं एसडीएम को ये ताकत होती पावर दी जाती है और कहीं पर रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज होते हैं। तो इस तरह का आप ध्यान रखें, अपनी जो मैरिज करें वो लीगल और प्रॉपर जेन्युइन तरीके से ही करें, जिससे कि आपको कोई समस्या ना आए। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। लो जी मोहित।